मेरा नाम फुरकान फयाज है, मैं क्लास 8 आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे पेरेंट्स का बचपन से ही शौक था कि वो मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ाए जहाँ पे मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस और डिस्ट्रिक्ट में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिससे मैं क्वालिटी एजुकेशन ले सकता था। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल वायन में लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मुझे एडमिशन है, क्योंकि यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज है जो कि आज के मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से हमें चाहिए। My name is Insha Zahoor and I am a student of AGS Vine. Currently I am studying in class 9 and my aim is to become an IAS officer. My name is Mohammed Sanan Bhatt and I am studying in AGS Vine Kupara in 9th class and my aim is to become a theoretical physicist. My name is Nahil Javed. I am studying in class 9th in AGS Vine Kupara and I want to become a doctor. मेरा नाम फुरकान फयाज है, मैं क्लास 8 आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। And that is actually what we want in a student. They should be cooperative, they should be very attentive in the classroom. I have found such qualities in this classroom and which I actually want in every class. What I mean is that is students should be attentive. आर्मी गुडविल स्कूल वाइन कुपारा का। आर्मी गुडविल स्कूल वाइन कुपारा एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे आम लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे हैं उनके सपने साकार हो जाते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जिसको इनिशिएट किया था आर्मी ने और आर्मी इसको रन कर रही है, और ऐसे माजूर जो घराने हैं जिनके सपने थे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले, हमें कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ से उनके बच्चों के जो ख्वाब है वो पूरे हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट कर लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है। गर्ल्स कि यहाँ से उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि इस स्कूल को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा, उन्होंने अपनी जिंदगी को सही दिशा दिखाई। Start thinking कि 5 साल बाद 10 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पना। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था।